अरे भाई घनी याद हो रखी है भाई, ये बात ना अब तो हद से ज्यादा हो रखी है भाई। जसलीन और जलोटा जी की जोड़ी बिग बॉस में है ना, सारे कुमारी लौंडे जो है ना सबके गुर्दे छिलके गले में अटक गए। बस सब साल है, बस दुआ दे मारे इतने दिन से घोड़ों के नाम मिल रही घास, जलोटा जी खा रहे चवनप्राश। मेरे को तो लग रहा है भाई इन सब लौंडो की ना नजर लग गई है जलोटा जी जसलीन की जोड़ी पे। मतलब ऐसा है ना कि जोड़ी टूट तो गई है, बस कंफर्मेशन होना बाकी है, वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। अरे भाई ये तो हरियाणवी जट का अंदाज। अब बात करेगा डीएसके आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जी हां, आपने ये जो हरियाणवी अंदाज में सुना, ये जसलीन ने जलोटा जी की जोड़ी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। जलोटा जी ने दिया जसलीन को भर भर के प्यार, भर भर के प्यार, और जलोटा को जसलीन ने क्या दिया, बाबा जी के टुल्लू तुम बैठे रहो वहां हाथ पैर बांध के, मैं चली मेकअप और कपड़े लेके। अरे भाई मेकअप और कपड़े ये कौन सी बड़ी बात है, किसी ने तुम्हारे गुर्दे तो मांग नहीं लिए थे जो तुमसे देते नहीं बन रहे थे। कमाल की मतलब ये प्यार मोहब्बत है, लोग तो कसीदे पढ़ते प्यार मोहब्बत। लोग कहते हैं ना जसलीन को जलोटा जी से प्यार हुआ है, जलोटा को जसलीन से प्यार हुआ है, प्यार ये है। अबे कपड़े नहीं दे सकते, मेकअप नहीं दे सकते, बालों को काट नहीं सकते, तुम प्यार में क्या करोगे, इसे प्यार कहते हैं। जसलीन की इस बेवकूफाना हरकत से ना सिर्फ जसलीन है जलोटा जी की जोड़ी नॉमिनेट हुई है, बल्कि जलोटा जी के मन में एक तूफान भी मच चुका है कि बताओ कपड़े और मेकअप, मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यारे हैं कपड़े तो और भी आ सकते हैं। जसलीन हमने अपना मतलब बुढ़ापा साइड में रखकर ऐसी लागी लगन, मनवा हो गया जसलीन में मगन, हम तो गली गली जसलीन जसलीन गाने लगे और तुमने हमें ठुल्लू 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 दे डाला। खैर बात करेंगे इसके बारे में, शुरू करते हैं शुरुआत से। तो जो कल का एपिसोड खत्म हुआ था जहां पर कि हमने देखा था दीपक चुगली कर रहा था श्रीशांत दीपिका के बारे में, हमने सुना भी था कि नेहा की अभिनेती की यार बेबी सिटिंग कब तक होता रहेगा यार, इट्स गेटिंग टू मच। तो दीपक ने कल सौरभ एंड शिवाशीष बैठा था शायद, जाके बताया कि दीपिका ऐसा बोल रही थी वैसा बोल रही थी। तो ये दीपक जो है लगता है कि एक डांट जो पड़ी है सैटरडे को हजम नहीं हो रही है, इसको और डांट की जरूरत है। तो एकदम मोहल्ले की चाची वाले अंदाज में इसने इधर उधर बात करना शुरू की, इसने उल्टी की सौरभ के सामने, सौरभ ने उल्टी की नेहा के सामने, एंड नेहा फिर वही दीपिका नेहा श्रीचंद का क्लैरिफिकेशन। दीपिका भड़बड़ा के गई श्रीचंद के भी वगैरह सबके सामने, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मैं जो बोलूंगी मुंह पर बोलूंगी, मैं दोगली नहीं हूं, मैं दोगली बिल्कुल नहीं हूं, मैं दोगली बिल्कुल नहीं हूं। एंड श्रीचंद तो श्रीचंद है यार, उसको तो वैसे भी घंटा फर्क पड़ता है किसी से। इसी दौरान हमने देखा शिवाशीष एंड श्रीशांत बैठे हुए थे, उनका आपस के इश्यूज वगैरह सॉर्ट हो गए। दीपक आकर फिर से घुसा एंड श्रीशांत ने उसको अच्छे से समझा दिया कि दीपक जो हुआ खत्म कर दे। एक बात तो क्लियरली माननी पड़ेगी, चाहे वो टास्क हो या गेस्ट वगैरह जब आते हैं श्रीशांत अलग टाइप का बिहेव करता है, लेकिन जब श्रीशांत कुछ समझाता है चीजों को दीपक को तो वो अलग ही श्रीशांत लगता है। रात गई बात गई, तू अगर मेरे साथ अच्छा रहना चाहता तो ये चीजें करना छोड़ दे। दीपक तू चाहता मैं तुझसे बात करूं तो तू ऐसी हरकत करना छोड़ दे। दीपक के बारे में क्या बोले यार, लड़का गाता अच्छा है, टैलेंट है, आज भी इसने सलमान भाई को डेडिकेट करते हुए जबरदस्त गाना गाया है, बॉलीवुड की आन बान शान, अपना बजरंगी भाईजान सलमान खान, गाना निर्विवाद रूप से बेहद अच्छा गाता है, उसके लिरिक्स वगैरह टू गुड। लेकिन सिर्फ यही क्वालिटी आपको आगे तक नहीं ले जा सकती, शो में एज ए कंटेस्टेंट आप कैसे हैं, एंड आप हर गुजरते दिन के साथ निहायत ही नीचे गिरते जा रहे हैं, मोहल्ले की चाची बन चुके हैं आप। इसी दौरान हमने देखा कि श्रीशांत के पास नेहा भी गई थी सॉरी बोलने, एंड उसके बाद थोड़ा सा यू नो जब वो जा रही थी तो शायद कुछ बोल कर गई थी जो श्रीशांत को हजम नहीं हुआ। इसी दौरान एक म्यूजिक बजा और घर में वापस से एंट्री हो गई अपना हरियाणा का भाई रोमिल चौधरी। रे भाई मिंदरमाल उसके साथ ना आया भाई, उसके साथ में आई है सुरभि, प्रियंका जग्गा पार्ट टू। जी हाँ, ये लड़की प्रियंका जग्गा पार्ट टू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लुक वाइज एंड जो हरकतें कर रही है उससे ये ऑफिशियली प्रियंका जग्गा का वर्जन 2 मानी जाएगी, मतलब प्रियंका जग्गा 2.0 सुरभि। इस लड़की ने आते से ही मतलब एक नेगेटिव वाइब्स दे दी, या ये कहूं कि एपिसोड में और शायद इस सीजन में भी एक नई जान डाल दी है उसने। आते से ही जो तेवर दिखाए हैं माइंड ब्लोइंग जबरदस्त। श्रीशांत नेहा ने एंड आई थिंक दीपक ठाकुर ने भी इस लड़की को शायद देखा था, तो ये आपस में स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने लग गए, बातचीत करने लग गए। दीपिका एंड नेहा किचन में थी, वो लोग बाहर नहीं आई थी, तो इस बात का भी सुरभि ने बात को दिमाग में रखा कि देखा वो आए नहीं। आते से ही उसने यू नो एक जो ग्रीटिंग्स होते हैं दीपिका से नेहा से, आपको मैंने बहुत देखा टीवी पर, आप मेरी मॉम की फेवरेट थी, आप मेरे डैड की फेवरेट थी, एंड उसके थोड़ी देर बाद ही इसका जग्गा वाला अवतार आ गया। दीपिका को चिढ़ाने की कोशिश की गई, इसके द्वारा उनकी मिमिक्री करने की कोशिश की गई, स्पेशली उनके रोने की एक्टिंग करके उसने बताई ऐसे वैसे ये वो, तो कहना गलत नहीं होगा लड़की फुल ऑन करंट मार रही है।
एंड रोमिल को सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि रोमिल एक काम कंपोज टाइप का इंसान है, लेकिन ये सुरभि बड़ी अतरंगी लड़की है, अगर ये डूबी ना तो रोमिल भी इसके साथ में डूब जाएगा, तो रोमिल को बहुत सोच समझने की जरूरत है। तो ये लड़की जो है ना ये करंट से भरपूर है, मैंने सुना है कि रोडीज में भी इसने बड़े ऊटपटक हरकतें की थी, तो जो रोडीज में जजेस हैं उनसे भी भीड़ लेती थी, तो खैर गलत नहीं होगा, ये लड़की भिड़ेगी सबसे। और ये लड़की जब आई है ना तो आपको देखना था सबा एंड सोमी का चेहरा, जब सुरभि अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रही थी, अपने दिल की बात कर रही थी, सबा एंड सोमी का चेहरा देखना था, उनको लग गया था कि भाई ये तो हमारी भी माँ है, अब तक तो हम ही फेक फाइट करते थे, कहीं फेक फेक के चक्कर में हमको उठा के बाहर ना फेंक दे। तो सुरभि से सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है ना पूरे घर में, ना सभा को है, ना सोमी को है, ना दीपिका, ना नेहा, ना श्रीशांत के भी, सुरभि से सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो है रोमिल को, क्योंकि अगर ये लड़की डूबी ना तो बेचारा रोमिल धरी धार भर वहां चला जाएगा घर से बाहर, क्योंकि रोमिल कितना भी अच्छा होके खेल ले, सुरभि की एक आधा गलती है ना मतलब गेहूं में घुन की तरह रोमिल को भी पीस के ले जा सकती है। तो रोमिल को सोच समझ कर चाल चलने की जरूरत है। एंड जो नॉमिनेशन वाला किडनैपिंग वाला टास्क हुआ, जहां पर कि यू नो हर साल जो होता है आपकी एक फेवरेट चीज मांगी जाएगी किसी और के द्वारा, अगर आपने वो चीज नहीं दी तो आप एंड आप अगर जोड़ी में है तो आपका पार्टनर दोनों नॉमिनेट हो जाओगे। तो जब अगला दिन हुआ उस दिन ये टास्क थी, एंड टास्क की सबसे पहले ही दीपिका को बना दिया किडनैपर, दीपिका ने अनुप जी को कर लिया किडनैप, एंड जसलीन को कॉल किया, हेलो जसलीन तुम्हारी बहुत ही कीमती चीज मेरे पास में है, अगर तुम ये चीज चाहती हो तो चुपचाप काली टेकरी के पीछे अपना सारे कपड़े और मेकअप का सामान लेके आना, और हाँ थोड़े से बाल भी काट लेना, अगर पुलिस को इत्तला की तो मैं तुम्हारी कीमती चीज की रज्जी उड़ा दूंगा। जसलीन रिएक्ट करती, उसके पहले ही चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है ना, उसी तरह आसपास के जितने लोग, चाहे वो ये नई एंट्री जग्गा पार्ट टू, या फिर सभा सोमी, या फिर रोमिल को भी पता नहीं सुरभि का इन्फेक्शन लग गया, वो बीच में मतलब ही ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचने लग गया, तुम चले गए वहां पर वकील बन के जसलीन के कि आप डील ऐसी कर लो, ये कर लो, दो चीज कम कर दो, चार कपड़े कम कर दो। अरे भाई उसकी अपनी टास्क है, इसकी अपनी टास्क है, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम क्यों जबरदस्ती में बुरे बन रहे हो, जबरदस्ती में किसी और के फटे में टांग अड़ा रहे हो जबरदस्ती, ये तो मुझे रोमिल यहाँ पर तो गलत लगा जाता हुआ, जब आप उस टास्क के मेंबर नहीं हो, आप अभी भी नए आए हो, आपको बिग बॉस ने बोल दिया कि आप इस टास्क में नहीं हो, तो फिर क्यों बड़े अब्बा बन रहे हो भाई, जबरदस्ती में है, ब्लेम गेम अपने ऊपर लेने की तैयारी कर रहे हो। एनीवे जसलीन से फिर बात की दीपिका ने कि जसलीन मैं काली टेकरी के पीछे अनूप जी को लेकर खड़ी हूँ, अगर तुम नहीं आई कपड़े और मेकअप लेके तो मुझे मजबूरन अनूप जी की एक उंगली काट कर तुम्हें भेजनी पड़ेगी। जसलीन वॉज लाइक आप भी एक्ट्रेस हो, मैं भी एक्ट्रेस हूँ, मैं कपड़े कैसे दे दूँ, मेरे पेरेंट्स कपड़े भेजेंगे मेरे पास आ नहीं पाएंगे, बगैर मेकअप के कैसे लगूंगी, माय गॉड आप आर्टिस्ट है समझिए। एंड जैसे कि मैंने कहा चाय से ज्यादा केतली करा मैं, पीछे बैकग्राउंड में सब ये करो वो करो, दीपक ठाकुर बेगानी शादी अब्दुल्ला बन के कूद रहा। अरे यार ये वही दीपक ठाकुर है जो अभी कुछ दिन पहले इसका एक बूट पे वीडियो देखा मैंने, जहां पर कि हिना का जो पू सेक्रीफाइस सेरेमनी था, जहां पर कि ये खुद बता रहा था कि उन्होंने इतना ड्रामा किया था वो दे नहीं रही थी। वही दीपक ठाकुर यहाँ पर जसलीन को समझाने के बजाय कि भाई तुम्हारे पार्टनर है अनूप जी, वो नॉमिनेट हो जाएंगे, तुम भी नॉमिनेट हो जाओगी, कपड़े तो क्या यार, बिग बॉस किसी को यार नंगा नहीं रखता है, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव आ ही जाता है। सिर्फ दीपक नहीं बाकी घर वाले भी मतलब उसको चले के झाड़ पर चढ़ा रहे थे, ये जग्गा पार्ट टू बोली थी कर्मा होता ना वो मिलेगा, रोमिल भी मतलब एक ही दिन में सुरभि की संगत का शिकार हो चुका है। एनीवे इस दौरान रोमिल ने फिर से वकील बनकर कोशिश की, केवी से, शीशन से, शशि से बात करने की कोशिश की, आप जसलीन को कि आप दीपिका को कन्विंस करो, भाई क्यों करो यार, वो अपनी टास्क कर रही है और तुम तो टास्क में हो ही नहीं, तो तुम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का यार क्या बोला जाए, अब उन टके से जवाब दे दिया केवी ने, इंस्टीट्यूशन ने कि क्यों हमको नहीं देना, बस खैर तमाम तरह की नाटक नौटंकी, वो जैसे पिछले सीजन में हिना खान ने की थी, जैसे शादी के बाद विदाई समारोह होता है, नई दुल्हन जाती है, इधर सहेली उधर सहेली बीच में दुल्हन, वैसे पिछले सीजन में बीच में हिना थी, इधर प्रियंका उधर बिनवशा, बाबुल की दुआ लेती जा बेटी, तेरा पू जो है ना तुझे वापस मिलेगा, तेरा पू वापस आएगा, और क्या रोया था हिना खान ने, यहाँ सेम टू सेम हू बहू वही हरकत जसलीन कर रही थी, मेरे कपड़े मेरा मेकअप, और उधर अनुप जी, जसलीन हमने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम कपड़े मेकअप हमसे ज्यादा प्यारे हो गए तुम्हें ये सब, अरे कपड़े तो और आ जाएंगे जसलीन, लेकिन हम बुढ़ापे में अगर ये सदमा हमें लग गया तो हम ना आ पाएंगे वापस। एंड इसी अंदाज में उन्होंने नया भजन भी बना दिया होगा मन में, ऐसा करो ना सितम मर जाएंगे हम, इस उम्र में क्यों गाली खिलाने लगी, तूने ये क्या किया, एक कपड़ा ना दिया
मुझे नौमी नेशन में पहुंचाने लगी। तो आई थिंक उनके बाकी के जो भजन है ना उससे ज्यादा ये वाला भजन ज्यादा अच्छा हिट होता। वे आगे बढ़ते तो तकरीबन आई थिंक 30 से 35 मिनट तो इस टास्क में ही चले गए, जसलीन का रोना धोना, कपड़े ये वो, इसका समझाना उसका समझाना, उधर जलोटा साहब के दिल की अरमान आंसुओं में बह रहे थे, उधर दीपिका बैठी थी, नेहा बैठी थी, एंड दीपिका तो खैर अपना टास्क कर रही थी, तो यहाँ दीपिका को तो मैं गलत बोलूंगा नहीं, अगर वो टास्क नहीं करेगी तो कल को तुम गुनहगार बना दोगे, वीकेंड पर गालियां सुनवाओगे। तो दीपिका अपना टास्क कर रही थी, और बिग बॉस की हिस्ट्री में इससे भी कई गुना वर्स्ट टास्क हो चुके हैं। आपको याद होगा पिछले सीजन में बंदगी ने भी अपने कपड़े दे दिए थे सारे। बिग बॉस यहाँ किसी को नंगा या भूखा नहीं रखता है। जसलीन को ये बात कब समझ में आएगी, जसलीन बहुत होशियार बनती है। कल भी सुल्तानी अखाड़े में उसकी सारी होशियारी दीपिका ने 2 मिनट में बाहर कर दी थी। बोलती थी ये मेरे साथ दिखती है, डोमिनेट रहती है, फिर कहती है वो कमरे में जाके बैठ जाती है। दीपिका ने बड़े अच्छे तरीके से जसलीन की बोलती बंद कर दी थी। कल भी सुल्तानी अखाड़े के जो वॉर ऑफ वर्ड्स में वो तो क्या है कि जोड़ी टीम में मेंबर ज्यादा है इसलिए फर्स्ट राउंड जीत गई थी जसलीन। लेकिन जसलीन ने हमेशा प्रूव किया कि जब वो बोलती है ना वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। और कौन सी बड़ी बात है यार, कपड़े मेकअप लेके आई थी तन्ना मैडम भी, पूरे सीजन में मेकअप के लिए उन्होंने बातें सुनी, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा मेकअप करके अच्छा दिखना है। अरे ये कोई ब्यूटी शो थोड़ी है जिसमें तुमको मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स होना जाएगा भाई, ये सर्वाइवल का शो है। अगर दीपिका को सर्वाइव करना है इस शो में तो उसको टास्क जीतनी होगी। तुम्हें अगर इस शो में सर्वाइव करना है तो तुमको टास्क जीतना ही होगा, लेकिन तुम्हारा फोकस क्या है, सुबह ब्रश बाद में करोगी, बिस्तर में उठते सही सजना है जलोटा जी के लिए, मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा करके जसलीन तुम बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही हो। पूरी दुनिया में जो कमारे लोग है ना वो अपने दिल में सपना समझो रहे थे कि काश हमको जसलीन मिल जाए, लेकिन अब इस हरकत को देखकर सारे कमारे समझ गए होंगे कि भाई जलोटा जी आप ही को मुबारक हो, आप ही रख लो आपका मटेरियल, ये तो चाइना का वो माल है जो चले तो आसमान तक नहीं तो शाम तक भी नहीं चले, तो आप उस टाइप का मटेरियल आपने अपने आपको प्रूफ कर दिया है। खैर कल के एपिसोड में यही टास्क कंटिन्यू होगी जहां पर कि श्रीशांत भी जाएंगे, सृष्टि भी जाएंगी किडनैपर बनकर, क्योंकि खान सिस्टर्स एंड शिवाशीष एंड सौरभ इनको सेक्रीफाइस करने का बोलेंगे, इनकी चीजें डिस्ट्रॉय करने का बोलेंगे, इनके पार्टनर्स के लिए, इनके जोड़ीदार के लिए। हमने देखा प्रोमो में दीपक ठाकुर भी अपने बाल शेव ऑफ करा रहा है और बोल रहा है कि हमारे यहाँ बाल तब दिए जाते हैं जब किसी की मौत हो जाती है। तो ये वही दीपक ठाकुर है जो सारे सीजन देख के आया है और यहाँ जबरदस्ती का ड्रामा कर रहा है। भाई तिरुपति बालाजी नाम सुना होगा, वहां पर भी लोग अपनी मर्जी से बाल देते हैं, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, लोग तब भी बाल देते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पर हवा बना रहा है दीपक, जो कि शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा चला, अब उसने क्या है कि ये जो नई वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है जग्गा पार्ट टू, उसको देखकर दीपक के अंदर भी गर्मी आ गई, आपने महसूस किया होगा। वो और दीपक ये दो ही आवाजें ज्यादा बड़ी लाउड होकर हमें सुनाई दे रही हैं, तो कहना गलत नहीं होगा कि दीपक का कॉन्फिडेंस 4 लेवल ऊपर हो गया है सुरभि को देखकर। अब इस घर में ड्रामा और गंध मचना तो लाजमी है, और जावेद अख्तर की पत्नी का नाम शबाना आजमी है, तो शबाना जी का नाम लेकर ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म। तो गाइस आप बताइएगा आपको ओवरऑल ये एपिसोड कैसा लगा, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि जसलीन अनुप जलोटा जी को नहीं बचाएंगी, वो अपना मेकअप वगैरह नहीं देंगी, उनके लिए जलोटा जी से ज्यादा मेकअप और कपड़े इंपॉर्टेंट है। एंड आपको क्या लग रहा है ये जो जग्गा पार्ट टू आई है ये आपको कैसी लगी है, मुझे तो चेहरे से हरकतों से बिल्कुल हूबहू जग्गा ही लग रही है। एंड रोमिल आपको नहीं लगता कि इसके चक्कर में कहीं रोमिल बलि का बकरा ना बन जाए जैसे कि रोशनी बन गई कृति की वजह से। और भी इस एपिसोड में कई छोटी मोटी बातें हुई थी जैसे कि टास्क की प्रिपरेशन, श्रीशांत का बोलना कि उन लोग से बाल मत कटवाना, लेटर उन बाद में बोलेगी चलो बाल कटवाएंगे, हमने प्रोमो में देखा कि वो खान सिस्टर को बोल रहा है कि बाल काट डालो एकदम जीरो साइज के काट डालो, कभी बोलते हो कि हम लड़कियों के ऐसे टास्क नहीं कराएंगे, कभी आप खुद वही टास्क कर देते हो। तो एक चीज तो यहाँ क्लियर है कि श्रीशांत का माइंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो कब क्या बोलते हैं उसको खुद को पता नहीं चलता। लेकिन हाँ एक बात हुई है कि इस एपिसोड में कोई बेबी सिटिंग टास्क नहीं हुई, श्रीशांत रोया नहीं, दरवाजे पर गया नोक नोक कर रहे नहीं बल्कि वहां बैठ के बात करने, तो ये चीज हमें थोड़ी सी हटके और अलग देखने को मिली। सो गाइस आप अपने कमेंट कीजिएगा एपिसोड के बारे में, जो आपके विचार है बताइएगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री, रोमेल एंड जलोटा जसलीन की प्रेम कहानी टूट गई, इसके बारे में आपके क्या विचार है। और भाई हरियाणवी अंदाज में जो बात करी ना मैंने ये आपको कैसे लगी ये भी बता दीजिएगा। जनता जनार्दन हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, भाई के सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, लोगों को बोलो, लोगों को शेयर करो वीडियो अच्छा लगे तो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, मेरा कोई पेड पीआर तो है नहीं भाई, मेरे तो हर फैंडम में दुश्मन है, मेरे तो फैन भी आप ही हो, मेरे तो दोस्त भी आप ही हो, मेरी तो एक्सटेंडेड फैमिली आप ही हो, मैं आप ही से बोलता हूँ भाई मेरा सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, अपनी फैमिली को और बड़ा करो यार, ठीक है जी। तो वीडियो शेयर करो सबके साथ, दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप में, इधर उधर, कॉलेज फ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, हर फ्रेंड कमी ना होता भाई, हर फ्रेंड को वीडियो शेयर करो, बोलो डीएसके टॉक्स का वीडियो देखे।
खैर आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए तो मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। आप अपना सपोर्ट और सहयोग यूं ही देते रहिए और मैं इसी अंदाज से आपको हंसाता रहूंगा, एंटरटेन करता रहूंगा, रिव्यू भी देता रहूंगा, एकदम धर धर के कह कह के लेता भी रहूंगा कंटेस्टेंट की। ठीक है, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।